फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन दलिया बनाने। गेहूं की नमकीन दलिया बनाने के लिए एक कटोरी दलिया, दो शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, दो हरी मिर्च, लहसुन 5 से 6 कलियां, एक कटोरी मटर और एक गाजर बारीक कटी हुई। एक पैन गरम करने के लिए रख देते हैं, उसमें आधी चम्मच देसी घी डाल लेंगे। घी डालकर हम इसे अच्छे से गरम कर देते हैं। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा, आधी चम्मच छोटी अजवाइन डालकर सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालते हैं। और हरी मिर्च एक से दो मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब हम इसमें कटी हुई गाजर डालते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अब हम इसमें मटर डालते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। सब्जी को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें दलिया डालते हैं। दलिया डालने के बाद इसे अच्छे से चला लें और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए भून लें। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। दलिया बनाने में घी और मसालों का प्रयोग बिल्कुल कम, ना के बराबर होता है। ये उतना खाने में जितना ही स्वादिष्ट है, सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। इसे आप नाश्ते या खाने कभी भी बना सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक आधी चम्मच या स्वाद के अनुसार। दलिया को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेते हैं। दलिया अब भून रही है और इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। जब कभी आपका ज़्यादा तला भुना खाने का मन ना हो और कुछ चटपटा खाने का मन हो, तो आप इसे बना सकते हैं।
अब ये भून चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। दलिया को हम बीच बीच में खोल करके चेक भी करते रहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है, इसे एक बार चला करके ढक करके हम पकने देते हैं। पानी अब सूख चुका है और ये अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। दलिया बन करके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।